हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल सीमा के चैनल में आपका स्वागत है। ये है पार्ट टू। पार्ट वन पे हमने क्या क्या किया था, हमने किया था बहुत ही प्यारे से, हमने प्याज चॉप कर लिए हैं और साथ में हमने कर लिया है टमाटर चॉप। जिसने वीडियो नहीं देखी उसको बता दें, हम बनाने जा रहे हैं आज आलू मेथी। और यहाँ के आप टमाटो पोटैटो का साइज देखो, ये देखो ऐसे दिखोगे तो छोटा ही लगेगा, और ये देखिए ये असली साइज है पोटैटो का भाई, इतने बड़े बड़े पोटैटो। ये देखो ऑरेंज मिट्टी थी, पता लगी इसे ऑरेंज कलर की मिट्टी, इतना बड़ा पोटैटो। मेरा दिल करे यहाँ पे वो शेद वेद बनाते, वो नहीं बनाते कार्टून बनाते हो वो बना दो, आशा खुश होगी। चले इसे वॉश कर लेते हैं। और आपको पता है मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ, एक मिनट में कुछ ले लूँ चन्नी मैं जब ड्रो कम हो ना तो बंदे को बहुत मुश्किल होती है, पुराने लोग पता नहीं कैसे हैंडल कर लेते थे, इतनी मुश्किल होती चीज़ें रखने की, रख देते हो कहीं और मिलती कहीं और है। चले इसे छिल लेते हैं पहले, इतना बड़ा बड़ा एक ही आलू डालना बस। मैंने आलू मेथी बना, आज मैं आलू मेथी बनाने जा रही हूँ तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो आलू मेथी पहले मैं सिंपल बनाती थी, अभी सोचा है उसके अंदर मैं थोड़ा सा फ्लेवर डालती हूँ, इसलिए मैंने प्याज काट लिए हैं, टमाटर काट लिए हैं। देखो पंजाबियों का खाना होता है सिंपल, पंजाबी इतना वो वैरायटी नहीं डालते, उसमें ये डाल दिया वो डाल दिया। और मुझे सिर्फ एक बात प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, जो चिकन मसाले वगैरह होते हैं उनमें क्या चिकन का कुछ होता है, मिला होता है क्या, उस वेज भी यूज़ कर सकते हैं उसे, क्या वेज लोग भी यूज़ कर सकते हैं? मुझे ये बड़ी कन्फ्यूज़न है, मेरे पास कितने सारे मसाले पड़े हैं चिकन के, क्योंकि हस्बैंड खाते हैं तो मैं तो बनाती नहीं, और वो ही बनाते हैं खाते हैं, पर सारे कहते हैं कि नहीं चिकन मसाले में थोड़ी चिकन डला होता है, तो मुझे थोड़ा ये प्लीज़ बताइएगा। तो ज़रूर मिलिए, देखिए चलिए इतना बड़ा देखो पोटैटो यार, चलो काटते एक ही बहुत है मेरे घर में, इंडिया के चार पाँच इसमें आ जाते। तो मेरे को प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि चिकन जो मसाले होते हैं वो चिकन वाले होते हैं या क्या होता है उनका सीन, थोड़ा प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा वो ऐसे ही पड़े हुए हैं तो मेरा मन करता है मैं डाल दूँ, क्योंकि कहते हैं कि उनमें फ्लेवर बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। चिकन वाला तो नहीं कुछ मिला होता, वेज जो लोग होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं नहीं। तो पोटैटो को छोटे 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 काट लेना। आपको पता है कि ये जो पोटैटो है ना, इनके यहाँ के उगे हुए, ये तो ऐसे लगते जैसे रुई जैसे नहीं होते, फ्रेंच फ्राइज टाइप के नहीं होते सॉफ्ट सॉफ्ट वाले, ऐसे सॉफ्ट नहीं है, मतलब कि आप उन्हें फ्रेंच फ्राइज खाए होंगे ना बस हिसाब लगा लो, वैसे होते हैं वो एकदम, जैसे हमारा थोड़ा हार्ड होता है काटने में भी, तो ऐसे रुई की तरह कटका जाता है, जैसे कद्दू काटते हैं, हाँ वो अंदर का होता है ना ऑरेंज वाला, ऐसे लगता है कि जैसे कद्दू काट रहे हैं। तो छोटे छोटे आलू काट लेंगे कि किस बच्चों को खाने में भी वो ना लगे। तो एक आलू और साथ में थोड़ी सी मेथी डाल के इसे बना लेंगे। और मैं मेथी का काम रोज वो नहीं करती कि जब भी मेथी बनानी है बाहर से लेके आए या ऐसे, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया हुआ। ये कट गए पूरे, एक रह गया, तो ये मेरे और आयशा के लिए हो जाएगा। इन्होंने तो आज बिरयानी मंगाई हुई थी, इनके रिश्तेदार कोई देखे गए तो ये वो खा लेंगे। मुझे किसी ने ये भी पूछा था, मैम आप नॉन वेज नहीं खाती, मैं वेजिटेरियन हूँ, फुल वेजिटेरियन हूँ, तो शादी होगी नॉन वेज खाने वाले के साथ, वो अपने आप ही कर लेते, मैं नहीं बनाती। ये वाला ये देखो मेथी MDH का है, मेरी मम्मी ने ना इतने सारे पैकेट डाल दिए मुझे इंडिया से, तो मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। देखिए इसमें ऐसे होता है, आप लोग भी बनाते होंगे, सूखी मेथी है और इसे डालें और बनाएं और मज़े करें खाएं। ये देखिए क्या इंडिया की मेथी की तो खुशबू ही कुछ। तो अभी मैंने लगाया अपने भाई को फ़ोन और मैंने पूछा कि मुझे सही में बता दे, क्योंकि कोई गलती ना हो जाए ना, तो इसके इससे पूछ लूँ क्या है। तो उसने मुझे कहा है कि चिकन मसाले में चिकन नहीं होता, आप बेफिक्र होके इसे बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बनाना, है ना। तो मैं डाल देती हूँ ना, तो उसने कहा है कि डाल सकते हो दीदी, कुछ भी नहीं होता, यह डर लगता है, आप भी बताना। अच्छा तो अब मैं क्या करती हूँ, ऑयल डाल लेती हूँ कढ़ाई में, नहीं मैं एक डिब्बे में बना रही हूँ, उसमें डाल दिया है मैंने ऑयल। आलू मेथी में चिकन मसाला आलू मेथी में चिकन मसाला डालेंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मेथी, जिसको नहीं आती वो सीख ले। जो बच्चे होते हैं, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, कॉलेज के बच्चे होते हैं या लड़कियाँ घर पे अकेली होती हैं, कोई नई शादीशुदा जिनको नहीं पता, तो जिनके हस्बैंड घर पे हैं उनको नहीं पता कैसे बनाना, तो सीख ले पहले आप
जीरा डाले ऑयल में, फिर डाले आप प्याज। कई लोग क्या करते हैं, आलू और मेथी डाल के ऑयल में नमक मिर्ची मसाला डाल के वो भी बनाते हैं। मैं भी बनाती थी पहले, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए उसके अंदर, तो मैंने वो डाल दिया। तो मेरे हस्बैंड का पता क्या काम है, जब उन्होंने खुद बनाना होता ना चिकन चुकन, तो फिर मसाले लेके आते हैं अलग अलग तरह के, चिकन मसाला, मटर मसाला, फिश मसाला। मैं हब्बे से बनाते नहीं है, बहुत कम बनाते हैं, सब मसाले लेके आते हैं। जब मैंने वेजिटेबल बनानी होती तो मैंने चने में भी वही मसाला, और मिक्स वेजिटेबल में वही मसाला, हर चीज़ में वही मसाला। ये तो ऐसे क्यों होते हैं, जब आदमी खुद अपनी चीज़ें खरीदते हैं तो उनको लगता है कि हाँ यार ये भी चीज़ चाहिए, वो भी चीज़ चाहिए। जब औरत घर पे खाना बनाती है तो उनको फिर ये क्यों नहीं लगता कि भाई औरत को, अगर औरत कहती है ये अरे यार कर ले आएंगे यार आप ऐसे यार, जिंजर पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट उसमें डाल दिए। मैं ऐसे बना रही हूँ क्योंकि मेरा जो स्टोव है ना, मेरे पास दो गैस है, एक छोटी है एक बड़ी है। आज जो गैस है वो ज़्यादा छोटी है, मैं आपको दिखाऊँ कैसी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला है गैस, आज का गैस ऐसे वाला है। तो ये छोटा गैस सिलेंडर है, बड़े वाला ख़त्म हो गया, वो भरने गया हुआ है। तो आज मैं इसमें बना रही हूँ। तो इसके बाद हम डाल देंगे प्याज भुनने के बाद टमाटर। मेरा भी मन कर रहा है आयशा को भी थोड़ी हेल्दी हेल्दी चीज़ें खिलाऊँ। जो मर्ज़ी आप बाहर का खा लो, जो मर्ज़ी खा लो, पर एक चीज़ पक्की है कि आपका दिन दो, अगर आप दो दिन बाहर खाओगे ना, आपका दिल करेगा कि मुझे घर का खाना खाना, मुझे नहीं बाहर का खाना, फिर ऑटोमेटिकली मन जरूर करता है। तो प्याज डाल दिया मैंने, प्याज भून लिया, फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया है टमाटर। तो आप भी जो मर्जी खा लो बाहर का, आपको घर का खाना ही, आप वैसे भी रेस्टोरेंट भी वैसे ढूंढते हो जिस रेस्टोरेंट में घर के टेस्ट वाला खाना मिले, है ना, अच्छा खाना मिले। मुँह में पानी आ रहा है, मैंने खाना सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने एक कप चाय पी और एक या दो रस खाए थे, उसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर, थोड़ा सा हो जाए इसमें नमक मसाला मसूला बाद में डालूँगी, पहले आलू थोड़े से भून लूँगी, समझ गए आप। तेल डालना है, तेल में डालना है जीरा, जीरे में डाल देने आप प्याज, प्याज के बाद टमाटर गल जाए, टमाटर डाल देने पूरे गल के, फिर उसमें डालने आलू थोड़े से पकाने, क्योंकि आलू सख्त होते हैं। पकाने के बाद फिर डाले मेथी और थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढक देना है। मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ मैंने क्या किया है। तो टमाटर पक गए थे, मैंने आलू डाल दिए, आलू डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है सूखी मेथी। ये देखिए ये है सूखी मेथी, अब ये कौन सी यहाँ पर रखूँगी, सेम मेरे पास जैसे पहले रखा हुआ था। सूखी मेथी मैंने डाल दी है, अभी इसमें डालूँगी मैं नमक स्वाद अनुसार, हल्दी स्वाद अनुसार, मिर्ची, मिर्ची में कम डालती हूँ क्योंकि मेरी आयशा को मिर्ची कम खानी होती है। चले फिर ट्राई करते हैं, आज लास्ट में डालूँ मसाला या अभी डाल दूँ, वो वाला चिकन मसाला डाल देती हूँ इसको, पहले मैं मिला दूँगी अच्छे से। ये मिर्ची हो गई, मसाले हो गए सारे, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं क्योंकि सारा सूखा सूखा हो गया, थोड़ा सा डालना पानी, अपनी ज़्यादा नहीं डालना, गैस फ्लेम को कर देना बिल्कुल स्लो और इसको मिला देना अच्छे से, अच्छे से मिल जाएगा तो पानी हो जाएगी। थोड़ा सा पानी ज़रूर डालना है, आपने ऐसे नहीं करना कि पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, नहीं तो सूखा सूखा रहेगा तो मसाले जल जाएंगे, सारा जल जाएगा, ठीक है। हल्का सा पानी सिम पे रखने के लिए कि थोड़ा थोड़ा पकता रहे, हल्का सा पानी इसके अंदर ज़रूर डाल दें। आलू मेथी बनेगी बहुत ज़्यादा यम्मी आज, और इसके अंदर हम डाल देंगे फिर एंड में डालेंगे मसाला वाला चिकन मसाला, एंड में डालेंगे, ठीक है। आज हम चिकन मसाला ही डाल देंगे भाई, ये भी बाहर जाते हैं तो पता नहीं क्या पापड़ वापड़ दे देते हैं वो लोग, साथ में नॉन वेज भी देते हैं, वेज भी देते हैं, वो लोग क्या करते हैं यार, वो ही तेल में सब कुछ करते जाते हैं। हम कौन सा रेस्टोरेंट के अंदर जाके देखते हैं, सही बोला ना मैंने, हम लोग कौन सा रेस्टोरेंट, मुझे कई बार रेस्टोरेंट के जो पापड़ खाते ना, मुझे उसमें से ना चिकन नॉन वेज के मतलब स्मेल।
चलिए जी, हमने रख दी है मेथी ऊपर पकने के लिए, आलू मेथी। आपने देख लिया सारा प्रोसीजर कैसे था। पहले ऑयल डाल लो, फिर जीरा डाल लो, फिर प्याज भून लो, टमाटर भून लो, उसके बाद पोटैटो डाल के थोड़ी देर भून लो, उसके बाद उसमें मेथी डाल दो और प्याज टमाटर जो भी मसाले वसाले डालने आपने डाल दो, फिर उसको ढक दो थोड़ी देर के लिए और बीच बीच में चेक करते रहो और ऐसे लगा के देखो चम्मच, और अगर पोटैटो टूट गया है तो मेथी आलू मेथी बन गई है, तो रेडी हो गई है। तो अभी मैं कर देती हूँ एसी ऑफ, मुझे ठंड लग रही है। ये देखिए कितना मतलब हो गया, देखो ये प्याज कितना ग्रो हो गया। ये मैंने सिर्फ एक घर के डिब्बे में उगाया था, ये प्याज है और साथ में ये है मनी प्लांट और यहाँ पे ये सारी है ग्रीन चिल्ली। ये ग्रीन चिल्ली का पौधा होगा, ये देखना, ये देखो कितना प्यारा। देखो एक मतलब जिसमें खाना लेके आते हैं जो रेस्टोरेंट वाले, उसी में उगा दिया मैंने। ये देखो ये मनी प्लांट है और ये सारा धनिया है साइड पे, ये धनिया उग रहा है। देखो ये देखो कितना बड़ा हो गया ओनियन का। ये मैं इसको निकाल के और पका के तो खा लूंगी। एसी कर देते हैं बंद। अरे वो ही ठंड लगने लगती है भाई, मौसम चेंज हो गया। बाहर चाहे अभी गर्मी है पर ठंड लग रही है अभी मुझे। और रोक्सी आपको दिखाते हैं, रोक्सी देखो कहाँ पे सो गई है जाके। रोक्सी बेड पे आके अंदर पहले जिया को ढूंढ रही थी, अभी देखो यहाँ पे। आज बात करते हैं निया शर्मा की और सुदेश लहरी की। आप तो जानते हैं निया शर्मा बिग बॉस 18 में भी आने वाली है और सुदेश लहरी तो पंजाबी सिंगर है, पंजाबी कॉमेडियन, बहुत ही प्यारे हैं। आप लोगों का इतना उनको प्यार मिलता है, बहुत ही ज़्यादा उनका नाम है और आप लोगों ने इतना प्यार उनको दिया भी है। अभी क्या हुआ, लाफ्टर शेफ में उनके नी पे निया शर्मा की तरफ से लग गई चोट। तो उनको चोट लगने के बाद निया शर्मा बहुत ज़्यादा रो रही थी, शो में भी बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसके बाद वो उनके घर पे भी गई, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वो रोई है, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ हुई है कि ऑब्वियसली उनकी तरफ से गलती हो गई थी। और जो सुदेश लहरी है वो भी उनको मतलब हंसते हंसते कहते हुए नजर आए, सो के स्टिचेज लगे हैं थोड़े बट ठीक हो जाएंगे। तो उनके घर वालों ने भी बहुत प्यार दिया निया शर्मा को। तो ऐसे ही होता है भाई, कुछ ना कुछ गलती से तो हो जाता है, बट सुदेश लहरी का दिल तो बहुत बड़ा है और पंजाब से काफ़ी देर बाद उन्होंने कमबैक किया और आप लोगों ने इतना ज़्यादा उनको प्यार दिया तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और बिग बॉस 18 में भी आने वाली है निया शर्मा, और अगर आप भी निया शर्मा के फ़ैन हो, सुदेश लहरी के फ़ैन हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। व्लॉग अच्छा लगा तो भी बताइएगा और व्लॉग में क्या कमी है और क्या अच्छा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बने रहिए सिमन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। निया शर्मा के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।